शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है और मुझे यहाँ पे नियुक्ति की गई है पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे, तो उसी का चार्ज लेने आया था। और मुझे काफ़ी खुशी इसलिए भी है कि मैं विकास जी से चार्ज ले रहा हूँ। विकास जी मेरे साथ में एएसपी थे वहाँ पे फारबिसगंज में, जब मैं अररिया का एसपी था, और काफ़ी पुरानी याद यहाँ पे ताज़ा हो गई। काफ़ी अच्छा अधिकारी थे और मुझे तो कोई डाउट नहीं कि इन्होंने प्रशासन और सब कुछ अच्छे से संभाला होगा, बस उसी को आगे कैरी ऑन करना है मुझे। और उपेन भी मेरे साथ जो एसपी पूर्णिया है, ये काम सहरसा में एसपी के तौर पे काम किया है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई कुछ नया करने की चीज़ है नहीं है, जो अभी लीगेसी चल रही है उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब मुझे देखना पड़ेगा, आप बोल रहे कि आप दोबारा यहाँ आए हुए, तो उस वक्त जब आया था एक डिकेट हो गया, एक दशक हो गया, एक दशक के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो हर जिला का क्राइम का पैटर्न देखना पड़ेगा। क्राइम पैटर्न के साथ साथ नए जो ट्रेंड्स है क्राइम्स के, वो देखने पड़ेंगे। कुछ नए क्रिमिनल्स के गैंग्स कुछ यहाँ पे आए के, वो देखने पड़ेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं जाऊँगा और वहाँ पे मीटिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कटिहार के एसपी जितेंद्र भी आया है साथ में, उससे भी डिस्कस हो रहा था स्पेशली दियारा के इशू के बारे में, और जो वहाँ पे लास्ट ईयर कुछ घटनाएं हो गई उस संबंध में। तो समय के साथ सारी चीज़ें होगी। आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, आपकी कार्यशैली समय कुछ अलग रही है, आगे क्या प्रायोरिटी होगी? नहीं, मैं हमेशा जो संस्था होती है हमारी, एक संस्था का जो एक पिरामिड होता है, हायरार्की जो होती है, उसमें बिलीव करता हूँ। और एसपी की जो एक है पुलिस अधीक्षक एक संस्था है, एसडीपीओ भी एक संस्था है, थाना का जो थानेदार होता है वो भी एक संस्था है। तो हमेशा मेरा फोकस रहा है कि उस संस्था को स्ट्रेंथन करना, उसको ताकत देना। तो जो मेन जिला का काम जो क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर का है, वो एसपी के जिम्मे रहता है। तो मेरी यहाँ पे ये भूमिका रहेगी कि मैं एसपी के साथ खड़ा दिखूँ, उनको गाइडेंस दूँ, और एक अभिभावक की तरह उसको जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग उसको समय समय पे अवगत कराऊँ। हाँ, और कुछ ऐसा इशू होता है कि जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करूँ। ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी है दुनिया के अंदर, तो कैसे? नहीं, मैं अररिया में एसपी के तौर पे था, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सहरसा में भी मैं डीआईजी के तौर पे काम किया था, तब भी सुपौल बॉर्डर तक आया था। तो मेरे लिए नेपाल, अभी भी मैं जहाँ से आया हूँ मुजफ्फरपुर से, वहाँ पे सीतामढ़ी का बॉर्डर था, 95 किलोमीटर था, तो मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो टाइम एंड जो समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उसको भी देखते हैं पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल है कि आप जहाँ भी रहे, अपराध और अपराधी दोनों आपका नाम सुनते ही खतर कांपते थे, वो एक्शन मोड दिखाई दे गया आपको? नहीं, एक्शन मोड वगैरह नहीं होता है, हर कोई अपना फर्ज निभाता है। फर्ज निभाने का आप लोगों का वो तरीका है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो बस ये आप लोगों की छवि गढ़ने का एक तरीका होता है, बाकी तो हर कोई पुलिस वाला वो अपना ड्यूटी निभाता है, अपना कर्तव्य करता है, उसमें कोई नहीं। सर, छोटे छोटे बच्चे इस टाइप के शिकार हो रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं मुंबई में डेपुटेशन पे गया था, तो एंटी नार्कोटिक सेल का इंचार्ज था वहाँ पे, बाद में एटीएस में भी मैंने काम किया वहाँ पे। तो ड्रग का वहाँ पे सीनियरों कुछ डिफरेंट था। जब मैं वहाँ 5 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, और सहरसा में डीआईजी के तौर पे जब क्राइम का एक पैटर्न में एनालिसिस कर रहा था, स्पेशली सीएसपी जो संचालक होते हैं उनकी लूट, बाद में जो रोड की जो क्राइम होते थे उसमें एक बात, और अभी भी मुजफ्फरपुर में भी एक बात जो एक प्रखरता से सामने आई थी कि जो यंगस्टर्स हैं, आप उसमें 16 साल से लीजिए, 16 साल से लेके 22 साल तक जो नए लड़के हैं, वो कहीं ना कहीं स्मैक पीकर अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है। और इसका और एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो क्रिमिनल को जिन्होंने क्राइम किया है स्मैक के नशे में, जब उनका हमने इंट्रोगेशन किया, और इंट्रोगेशन के बाद उनसे डिटेल में जब इंट्रोगेशन के बाद बात करने के बाद जब नशा उनका उतरता है, तो उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। मधेपुरा में भी ऐसे हत्या कर दी थी, उसको पता ही नहीं था कि उसने किसी की हत्या कर दी। तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि पहले का जो क्राइम होता था वो एक तो उसके पीछे मोटिव पता रहता था उस क्रिमिनल को, मुझे अगर मैं गोली चला रहा हूँ तो इसका क्या होने वाला है, सामने वालों को एहसास होता था कि इसकी जान सकते जा सकती है। लेकिन स्मैकर से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल्स है, स्मैक लेके जो भी ड्रग का आदि का सेवन करके करते हैं, उनको तो सेंस ही नहीं है कि सामने वाले पे करना, वो तो अपना का ये कर देता। इसलिए ये और डेंजरस है हमारे लिए, और हमारे लिए इसके सतर्कता के पूर्वक इसमें काम करना चाहिए।